पिरामिड एजेंट मुर्दाबाद, पिरामिड एजेंट मुर्दाबाद, पिरामिड एजेंट मुर्दाबाद। साडे फंड वापस करो, साडे फंड वापस करो, साडे पैसे वापस करो, साडे पैसे वापस करो। पिरामिड एजेंट मुर्दाबाद, पिरामिड एजेंट मुर्दाबाद, साडे पैसे वापस करो, साडे पैसे वापस करो। वापस कर लें क्योंकि साढ़े ढाई तीन साल ऑलरेडी खराब हो गया। आपको फाइल तो थोड़े को लगवाई थी, डीसी ऑफिस कंप्लेट करना, थोड़ा कैनन ने पैसे देते, तुम भी ऑन टेबल सैटलमेंट कर लो, आप वापस ले लें। कंप्लेट अभी दी थी कि साढ़े पैसे फसे आ, जो अभी तो उसकी नॉर्मल गलबात की कंप्लेट दी थी, अभी किसी कोर्ट कचहरी नहीं पता चाहिए सानू। हूँ इन्होंने क्या कि अज पूरा मामला है कि पैसे लेन देन दा या बाहर विदेश भेजन दा मामला? रिकॉर्ड करके बच्चे भेजता है, सारे बच्चे खुश हो गए कि सर ने कहा था एक बार पैसे साढ़े भी मिल जाने, क्योंकि एजेंट की रिस्पोंसिबिलिटी थी, ताही कहने वाले ने 4 करोड़ रुपए दिता। तुम पूछ सकते उन्होंने जाके मेरे को ट्रांजेक्शन पी है कैनम की, मैं दिखा देना साफ लिखे कैनम का नाम। इन्होंने को मैं आया लास्ट वीक, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कहा पैरामिड का की स्टेटमेंट आ दे। इन्होंने कहा शुक्रवार को तेरी मैनेजर ने मीटिंग करावे, इन्हें साइन करके दे दी मैडम जीतेंद्र, उन्होंने पूछ लो मना नहीं करते। उन्होंने अज एजेंट मुर्दाबाद, पिरामिड एजेंट मुर्दाबाद, पिरामिड एजेंट मुर्दाबाद, पिरामिड एजेंट मुर्दाबाद। साडा रिफंड वापस करो, साडा रिफंड वापस करो, साडे पैसे वापस करो, साडे पैसे वापस करो। पिरामिड एजेंट मुर्दाबाद, पिरामिड एजेंट मुर्दाबाद, साडे पैसे वापस करो, साडे पैसे वापस करो। की नाम है अपना? एसआई दिलबाग सिंह। गलबात की हुई है? गलबात बच्चे इन्होंने कनेडा जाने वास्ते फीस भरी थी, इन्हों का कोई प्रपूजल आ गया, प्रपूजल आ गया तो हूं इन्होंने बच्चे जो पैसे रिफंड नहीं हुए, इस करके बच्चे इतने आए ने। इन्हों का डीसी दफ्तर भी जी कंप्लेट चलती है, हूं जेडे पैरामिड वाले ने कह रहे हैं डीसी दफ्तर कंप्लेट चलती है, जो उ फैसला होगा। ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ ਆ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ
बोलिया गया रोंग एक्सपैक्टेशन सैट की गई कि नहीं थोड़े पैसे मुड़े आए हैं क्योंकि पहली बार ही होया सी कैनेडा में। सब तो वड्डा सवाल एजेंट नूं उदों ही कॉलेज नाल जिन्हां दा एग्रीमेंट सी उन्हां नूं पुछना चाहिदा सीगा कि जे तुसीं जद तक बच्चे का वीज़ा नहीं आया तो कॉलेज ने पैसे कितना यूज किए। तो यह सब होने तो बाद आप पूरे 2-2.5 साल तो हरास हो रहे थे इस चीज़ के। इस चीज़ के बाद असी सानू आप बक बक एजेंटा तो हेल्प मंगनी शुरू की क्योंकि बाहर कोर्ट ने साफ करता कि इन्हों को मुड़न लिए पैसे नहीं आ। एजेंटा करके ही असी पूरे प्रॉब्लम च फसे थी। असी एजेंटा को हेल्प मंगनी शुरू की। कुछ पंजाब के लोकल एजेंटा ने साड़ी हेल्प की जिन्हें बच्चों के पैसे फसे थी नैतिक जिम्मेवारी आधार से साढ़े पैसे वापस करते। तो कुछ एजेंट जे नहीं मन रहे थे असी रोज़ रिक्वेस्ट करते सन। असी कई प्रोटेस्ट भी किए इन्हों के खिलाफ। तो फिर जो पैरामिड की कहानी सूँ दसन जा रहा अच्छ मैं इन्होंने को लास्ट वीक आया इन्होंने मैंने लिख के दिता कि फ्राइडे तक थोड़ी मीटिंग करावे अपने टॉप मैनेजमेंट में। आ देखो इन्हों के मैनेजर के साइन है ये इन्होंने मैंने लिख के दिता स कि आप फ्राइडे तक मीटिंग करावे। सारे बच्चे खुश हो गए। इन्हों के मैनेजर की रिकॉर्डिंग आ मैनेजर ने कहा कि जे तुम एक भी ट्रांजैक्शन दिखा दूंगे तो सारे के पैसे आप मोड़ देने। सारे बच्चों की रोंग एक्सपैक्टेशन सैट होगी। बच्चे 2.5 साल तो हरास से बच्चे ने उम्मीद की किरण देखी बच्चे ने पैरामिड से भरोसा कर लिया। तो अब फ्राइडे अभी खुश होकर आए कि शायद अच्छे पैसे मिलन। अज सू आह पत्र इन्होंने लिख के देता कि जो DC की कंप्लेट में होगा असं वे अकॉर्डिंग स्टैप लवेंगे। सब तो पहली गल मैं इन्होंने कहा कि बच्चे ने फाइलों थोड़े तो लाइया DC को कंप्लेट तो की थी तुम सुनते नहीं पे उत्थे भी इन्होंने इन्ने महंगे लॉयर खड़े करते जिन्होंने आप फाइट नहीं कर सकते। तो हूँ असं इन्हों ने तैयार हाँ कि अभी DC ऑफिस तो कंप्लेट वापस भी ले लें फाइट थोड़े को सोल्यूशन तुम दो। पर कहते नहीं अभी DC ऑफिस की गल करा साडे लॉयर बहुत स्ट्रोंग आ वो सानू इस चीज़ में आसानी न हरा देंगे। इन्हों ने पहला यह चीज़ सोचना चाहिए ऑटोमैटिक गेट तो लैके हर एक चीज़ अंदर बच्चों के पैसे ना बनिया। बच्चों के पैसों तो कमीशन आता वे ही सारे स्टाफ की सैलरी आती है। बच्चे इन्हों का मेन प्रोडक्ट है। बच्चे करते मरण किनारे स्ट्रैस में आ इन्हों की हेल्प करने की बजाय रोंग एक्सपैक्टेशन सैट कर रहे हैं। बच्चे हरास कर रहे हैं हर दिन नवा दिन रखते हैं कदम 24 घंटे बाद कद फ्राइडे कद कुछ ये इतना 2-2.5 साल तक घुमा रहे हैं। फाइनली मैं इन्होंने लिख के टाइम मंगना शुरू किया। इन्होंने मैंने रिटर्न च दिता है देखो साइन करके कि फ्राइडे तक आप चीज़ करा। कितने बच्चे गए सर टोटल इस स्कैंडल 503 बच्चे आ तो साड़ी ऑर्गनाइजेशन 309 बच्चे जुड़े हुए हैं। IMYSO इंडियन मोनिटरी यूथ स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन से पैरामिड के इन्हों के आप 10 बच्चे आ। हर एजेंट तो हेल्प ले चाहिए। कुछ एजेंट साढ़े ना डील कर रहे हैं हेल्प दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी पता कि उन्होंने गलती करके ही असं फसे हैं। जिदा साढ़े एक वाला कंसल्टेंट है जिन्हें 30 बच्चे सन उन्होंने 30 बच्चे के पैसे मुड़े आ। कोई सौखी गल नहीं होती 3 करोड़ रुपये देना ठीक है। किन्ने पैसे एक बच्चे 10 लाख के करीब है सर। कंप्लीटली कॉपी जी कंप्लीट DC ऑफिस वाली हरमीत कौर एक्चुअली असी इन्हां तो 2026 असी इन्हां तो 2019 में अप्लाई किया हुआ सीगा। इन्होंने मैनू एम कॉलेज दिता सी जबकि मेरे बैंड 6.5 सीगे ते मेरी प्रेफरेंस भी मॉन्ट्रियल वाली साइड बिल्कुल नहीं सीगी क्योंकि मेरा कोई उत्थे नोन नहीं हैगा ते मैं उधर नहीं जाना चाहती सी। ते इन्होंने मैनू अपनी मर्जी नाल ओह कॉलेज दिता है कह के कि साडे रिलेटिव्स आ उत्थे इन्हां दे जिहड़े एजेंट आ इन्हां दीआं ओह गल्लां सीगीआं कि साडा भरा उत्थे पढ़दा आ मेरे साडे अपना कॉलेज आ तुहानू 101% वीज़ा होगा उत्तों तुहानू 6 महीने कोई रेंट नहीं देना पैना तुहानू एयरपोर्ट तो पिकअप मतलब बहुत सारे सानू दिते झूठे जिहड़े। तो असी मैं इन्हों कह चाह के क्योंकि एजेंट ओबियसली इन्हों का नाम वधिया बनया होया सी मैं इन्हों कह चाह के इत्थे एडमिशन लै ली। तो बाद चो जदों इन्होंने बहुत कुछ होया तो कॉलेज ने AIP आई तो सानू इन्होंने कहा कि 101% वीज़ा आऊगा। पर जदों वीज़ा नहीं आया तो असी इन्हों कि मतलब साढ़े को होर वेट नहीं होंगी हैगी तो मैं क्या तुम मेरा विदड्रॉ पा दो। इन्होंने मेरा विदड्रॉ नहीं पा के दिता यह कहा कि तुहाडे ना रिफंड जो विदड्रॉ पाओगे तो रिफंड से बहुत ज़्यादा पैसे कट हो जाने तुम इदा करो ऑनलाइन क्लासिस लैनिया शुरू कर दो। मैं ऑनलाइन क्लासा लिया 6 महीने फस्ट समैसटर भी क्लीयर होया मेरे को मेरे हजे भी फस्ट समैसटर के नंबर पे आ मेरे 100% नंबर आए हैं जिन्हें भी सब्जेक्ट से सारे बच्चों। तो फिर भी मेरा इन दी अंडर रिफ्यूजल आया इन्हों की गलती करके जिहड़ा कि सीगा कि कॉलेज ओवर एडमिशन कर रहे सी। तो इन्होंने कॉलेज ने बैंकरप्सी फाइल की सारा कुछ किया। इन्होंने सानू अज तक कभी नहीं दसिया कि कॉलेज ने बैंकरप्सी फाइल की हुई है। असी इन्हों फोन कर करके दसिया कि कॉलेज की इदा न्यूज़ आ रही है बैंकरप्ट हो गया। इन्होंने सानू अज तक कुछ नहीं दसिया सारा कुछ मिसगाइड किया हुआ सी। बाद चो जो असं इन्होंने कहा साडा रिफंड नहीं आ रहा सानू साडे रिफंड का कुछ करके दो कहिंदे नहीं रिफंड आऊगा जे तुहाडा थोड़े दिनों रिफंड नहीं आऊगा। 45 डेज़ का टाइम पीरियड से अगस्त च मेरा रिफ्यूज़ आया जे तुहाडा थोड़े दिनों में रिफंड नहीं आया तो असं तुहानू अपने अकाउंट्स विचों पैसे पवा के देवे। जबकि हूँ ये इस गल तो भी मुकर रहा तो कह रहे हैं तुम DC को गए हूँ जो DC कहूगा असं उ करेंगे तो इस करके तुम तो उठ के चले जाओ नहीं तो असं पुलिस बुला लाँ। हूँ की कहें पे हूँ ये कह रहे हैं कि असं तुहाडी कोई हेल्प नहीं कर सकते असं तुहाडे पैसे नहीं दे सकते जबकि पहले इन्होंने ये गल कही हुई सी। हाँ जी
ਡੀਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਇੰਨਾ ਟੋਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਇਰਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਣ ਫਸਟ ਡੇ ਸੀ, 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉੱਧਰ ਡੀਸੀ ਸਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, IAS ਸੀਗੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ